हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डार्विनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। डार्विन की थ्योरी को ही हम डार्विनिज्म कहते हैं। डार्विन एक साइंटिस्ट का नाम है जिनका नाम था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। इनका बर्थ 12 फरवरी 1809 को हुआ था और 1831 में चार्ल्स डार्विन ने एचएमएस बीगल नाम के जहाज पर 5 साल के लिए यात्रा की थी और उन्होंने साउथ पैसिफिक ओशन के आइलैंड की जियोलॉजी और वहां के फ्लोरा और फोना के बारे में स्टडी की थी और वहां से उन्होंने कई लिविंग और फॉसिल स्पेसिमेंस को कलेक्ट किया था। साथ ही उन्होंने गैलापागोस आइलैंड की वहां भी स्टडी की थी और उन्होंने वहां देखा था कि वहां जो इन आइलैंड्स पर जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं उसमें कई वेरिएशंस और कई डिफरेंसेस होते हैं। अब जो गैलापागोस आइलैंड था, उस गैलापागोस आइलैंड पर जो कॉमन बर्ड्स थी वो थी फिंचेस, और ये फिंचेस जो थी वो मेनलैंड की फिंचेस से डिफरेंट थी। ये क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो होती है फिंचेस की, उन्होंने देखा था कि उसमें डिफरेंट शेप्स और साइज की बीक्स थी और वो उनकी फीडिंग के लिए एडेप्टेड थी। अब उन फिंचेस की डाइट्स अलग अलग थी तो इस वजह से उनके फूड के अकॉर्डिंग उनकी जो बीक थी उसकी शेप और साइज थी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं गैलापागोस आइलैंड जो था उसमें अलग अलग बर्ड्स थी, जैसे फ्रूट ईटर्स थी, इंसेक्ट ईटर थी और कैक्टस ईटर्स थी और सीड ईटर्स थी। तो जो फ्रूट ईटर्स बर्ड्स थी उनमें तो पैरट बीक थी। जैसे देखिए आप वेजिटेरियन ट्री फिंचेस, लार्ज ट्री फिंचेस, स्मॉल ट्री फिंचेस, वुड पीकर फिंचेस, वाबलर फिंचेस, कैक्टस फिंचेस, स्मॉल ग्राउंड फिंचेस, मीडियम ग्राउंड फिंचेस और लार्ज ग्राउंड फिंचेस। तो ये अलग अलग टाइप की फिंचेस हैं। तो जो फ्रूट ईटर्स हैं उनमें तो पैरट जैसी बीक होती है और इंसेक्ट ईटर में ग्रास्पिंग बीक्स होती है और कैक्टस ईटर में प्रॉबिंग बीक होती है और जो सीड ईटर्स होते हैं उसमें क्रशिंग बीक्स होती है। क्लियर? तो यहाँ क्या था कि अलग अलग फूड हैबिट्स होने के कारण उनके अंदर बीक की शेप भी अलग अलग थी। अब 1838 में डार्विन ने जो माल्थस का एक प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन जो ऐसे था उसको रीड किया था और साथ ही उन्होंने चार्ल्स लैल की प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी को पढ़ा था। तो उन्होंने ये देखा था कि जो माल्थस थे इसमें उन्होंने जिन्होंने क्या दिया था, तो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन के बारे में बताया था। तो माल्थस ने ये एक्सप्लेन किया था कि जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन होती है एनिमल में वो बहुत ही रैपिड होती है और एनिमल की पॉपुलेशन जो है वो फूड सप्लाई, जो अवेलेबल फूड सप्लाई होती है उसके कंपेरिजन में एनिमल की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो फूड सप्लाई जो है वो तो एरिथमेटिक रेशो में इंक्रीज होती है जबकि पॉपुलेशन जो होती है वो जियोमेट्रिक रेशो में इंक्रीज होती है। और माल्थस ने ये नोट किया था कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन होती है वो हर 25 साल में डबल होती है और ये पॉपुलेशन इंक्रीज जो होता है उसकी वजह से क्या होता है, फूड सप्लाई में कमी आ जाती है जिससे स्टार्वेशन हो जाता है और वॉर होता है और अल्टीमेटली क्या होता है, पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाती है। क्लियर? और ये जब सब स्टडी चल रही थी तो सेम टाइम पर अल्फ्रेड वैलेस नाम के जो साइंटिस्ट थे जो कि यंग नेचुरलिस्ट थे उन्होंने भी डार्विन के जैसी ही ऑब्जर्वेशन को किया था और डार्विन ने तो अपने वर्क को पब्लिश किया था एक बुक के अंदर जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन को इसमें पब्लिश किया था। अब वैलेस ने एक चार्ट दिया था जिसे वैलेस चार्ट कहा जाता है। इसमें इन्होंने फैक्ट बताए थे कि जो एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें इनॉर्मस पावर ऑफ फर्टिलिटी होती है और किसी भी पॉपुलेशन में नंबर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो इन दोनों की वजह से क्या होता है, लाइफ स्ट्रगल होता है और लाइफ स्ट्रगल और ऑर्गेनिज्म में जो वेरिएशन होती है और जो हेरिडिटी होती है उसकी वजह से क्या होता है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और नेचुरल सेलेक्शन होता है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और कंटिन्यूस चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, इन दोनों के कारण क्या होता है, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, नई स्पीशीज का ओरिजिन होता है। अब जो डार्विन की थ्योरी थी जिसे हम थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन कहते हैं या फिर ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सेलेक्शन ये भी कह सकते हैं, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आता है ओवर प्रोडक्शन और इनॉर्मस पावर ऑफ फर्टिलिटी। जो ओवर प्रोडक्शन है तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें
एक खुद से ही ये कैपेसिटी होती है कि वो ज्यादा इंडिविजुअल्स को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और ताकि वो अपनी रेस की कंटिन्यूटी को मेंटेन रख सके, क्लियर, या इंश्योर कर सके। अब इसके एग्जांपल में हम देते हैं कि जैसे प्लांट होते हैं वो हजारों की संख्या में बीज पैदा करते हैं, इंसेक्ट जो होते हैं वो सैकड़ों अंडे देते हैं, और एक पेयर हाथी जो है वो अपनी पूरी लाइफ में लगभग 6 बच्चे देता है। अगर उसके सभी बच्चे जिंदा रहें तो इसी प्रकार अगर वो रिप्रोडक्शन करें तो लगभग 750 साल में एक जोड़े हाथी से 19 मिलियन हाथी पैदा हो जाएंगे। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म तो बहुत ज्यादा ऑफस्प्रिंग पैदा कर रहे हैं जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म कम मात्रा के अंदर ऑफस्प्रिंग पैदा कर रहे हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। तो पहले पॉइंट को हम इस तरीके से बोलना चाहते हैं कि जो एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें इनोर्मस पावर ऑफ फर्टिलिटी होती है, क्लियर, उसमें संतान उत्पन्न करने की बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है। सेकंड आता है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब हर ऑर्गेनिज्म जो होता है उसे अपनी जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि घर होता है उसका, उसका जगह होती है, उसका फूड होता है, उसके लिए वो क्या करता है, अपनी ही स्पीशीज या दूसरी स्पीशीज के मेंबर के साथ में वो कंपटीशन करता है। इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, क्लियर। और यह स्ट्रगल ऑर्गेनिज्म के पूरी लाइफ में कंटिन्यू रहता है, जो जायगोट से लेकर, जायगोट बनने से लेकर के उसकी डेथ तक रहता है। अब सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है और स्ट्रगल 3 लेवल पर होता है, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल और एनवायरमेंटल स्ट्रगल होता है, क्लियर। अब सबसे पहले आता है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। यह स्ट्रगल जो होता है वो एक ही स्पीशीज के मेंबर के बीच में उसकी सेम रिक्वायरमेंट के लिए होता है, जैसे कि भोजन है, आवास है और रिप्रोडक्शन है। तो ये जो स्ट्रगल होता है ये सबसे फास्टेस्ट स्ट्रगल होता है। दूसरा आता है इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। ये डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स के बीच होता है, जैसे भोजन के लिए और आवास के लिए। थर्ड आता है एनवायरमेंटल स्ट्रगल। यह स्ट्रगल जो होता है वो ऑर्गेनिज्म में उसके एनवायरमेंट की डिफरेंट कंडीशन के बीच होने वाला स्ट्रगल होता है, जैसे कि हम देखते हैं कि बारिश आ जाना, बाढ़ आना, अर्थक्वेक आ जाना, सर्दी गर्मी, इन सब से सुरक्षित रहने के लिए जो ऑर्गेनिज्म स्ट्रगल करते हैं उसे हम बोलते हैं एनवायरमेंटल स्ट्रगल। ओके, नेक्स्ट आता है वेरिएशन अमोंगेस्ट ऑर्गेनिज्म। अब केवल ट्विन्स जो होते हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स, उनको छोड़कर के कोई भी दो ऑर्गेनिज्म और उनकी रिक्वायरमेंट सेम नहीं होती है। इसका मतलब है कि ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं। इन्हीं डिफरेंसेस को हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। तो डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट अमंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड वेरिएशन। वेरिएशन हार्मफुल भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है और यूजफुल भी हो सकती है। डार्विन के अकॉर्डिंग वेरिएशन कैसी होती है, कंटिन्यूस होती है। और ऐसी वेरिएशन जो ऑर्गेनिज्म को अपने एनवायरनमेंट के लिए अनुकूल बनाने या अनुकूलन स्थापित करने में सहायक होती है, वो अगली पीढ़ी में वंशागत होती है, जबकि दूसरी जो होती है वो वेरिएशन लुप्त हो जाती है। ओके, अब आता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब जब एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल होता है तो जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो वेरिएशन को एग्जिबिट करते हैं, और ये क्या करते हैं कि अब यहाँ हम इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि डार्विन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल होता है, और स्ट्रगल में केवल जो सक्सेसफुली अपनी लाइफ स्पेंड करने वाले मेंबर होते हैं वो ही जो होते हैं फिटेस्ट होते हैं। ओके, मतलब वो ही योग्य होते हैं, और स्ट्रगल में जो ज्यादा सक्षम होते हैं वही क्या होते हैं, जीत जाते हैं, और जीतने के बाद में वही योग्य सिद्ध होते हैं। तो डार्विन के अकॉर्डिंग जो योग्यतम प्राणी है वो अपने विशिष्ट लक्षणों के कारण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अपने मेटिंग पार्टनर को पाने में सफल होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल सेलेक्शन कहते हैं। तो सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल में केवल वे ही ऑर्गेनिज्म जिंदा रहते हैं जो यूजफुल वेरिएशन रखते हैं, और नेचर केवल उन योग्यतम जीवों का ही चयन करती है। इसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल सेलेक्शन कहते हैं। जैसे डार्विन के अकॉर्डिंग हम देखें कि जो जिराफ होता है उसकी जो नेक और लेग्स की लेंथ होती है उसमें वेरिएशन प्रदर्शित होती है। तो जब ग्राउंड पर ग्रासेस जो थी वो कम होने लगी तो जिराफ की जो है, अब आप यहाँ देखिए उसकी नेक फिर बढ़ने लगती है। अब जैसे ये देखिए, ये शॉर्ट नेक्ड एंसेस्टर थे, तब क्या था
कि जो ग्राउंड थे वहां पर ग्रासेस थे, तो उनको ग्रासेस को खाना पड़ता था, इसलिए उनकी जो गर्दन थी वो छोटी ही थी, तो शॉर्ट नेक्ड एंसेस्टर थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ग्राउंड पर ग्रासेस कम होने लगी, तो अब उनको क्या होता था कि पेड़ की पत्तियों को खाना पड़ता था, तो उनको अपनी गर्दन खींचनी पड़ती थी। तो नेक इज अ स्ट्रेस टू रीच लीव्स हाई ऑन ट्रीज। ओके, तो नेक धीरे धीरे क्या होने लगी, लंबी होने लगी। अब लॉन्ग नेक डिसेंडेंट आफ्टर मैनी जनरेशन, तो कई जनरेशन के बाद में फिर क्या हो गए, लंबी गर्दन वाले जिराफ हुए। अब ये है ग्रुप ऑफ जिराफ विद डिफरेंट लेंथ ऑफ नेक। अब अलग अलग लेंथ के जिराफ आपको यहाँ दिख रहे हैं। अब यहाँ क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन होता है। तो ये जो हमने पढ़ा था कि शॉर्ट नेक एंसेस्टर होते हैं और उससे फिर लंबी नेक वाले होते हैं, और ये फिर ये जो कैरेक्टर होता है ये उनकी अगली जनरेशन में भी पास होता है, ये तो क्या था, लेमार्क का भी था। अब डार्विन ने क्या बताया था कि जो अलग अलग लेंथ के, जो नेक की लेंथ के जिराफ होते हैं उनमें नेचुरल सिलेक्शन होता है। अब नेचर जो होती है वो सेलेक्ट करती है कि जो लॉन्ग नेक वाले होते हैं वो ही सरवाइव कर पाएंगे, और जो शॉर्ट नेक वाले वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको फूड नहीं मिल पाएगा, और जो लॉन्ग नेक वाले जिराफ हैं वो क्या होंगे, अपना फूड इजीली ले लेंगे। तो ये क्या हो गया, ये फिट ऑर्गेनिज्म हो गए। तो ये क्या है, वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हुए, क्योंकि ये क्या है कि सर्वाइव करने के लिए ये फिट है। तो लॉन्ग नेक जिराफ आफ्टर मैनी जनरेशन, तो ये कैरेक्टर इनका जनरेशन टू जनरेशन आगे पास होता है, और इसी को हमने क्या बोला है, नेचुरल सिलेक्शन बोला है। ओके, इसीलिए ये प्रूव करता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को, कि लॉन्ग नेक वाले तो हैं वो सर्वाइव करने के लिए फिट है, और जो शॉर्ट नेक वाले थे वो फिट नहीं होते। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। अब जब स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होता है, तो मतलब एग्जिस्टेंस के लिए जब स्ट्रगल हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ऐसी वेरिएशन जो एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण उत्पन्न होती है और नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती है, और जिससे क्या होता है कि नई जो पीढ़ी होती है या जो नई ऑफस्प्रिंग होती है वो अपने एंसेस्टर से एकदम डिफरेंट हो जाती है। तो नेक्स्ट जनरेशन में नेचुरल सिलेक्शन का यही प्रोसेस जो है वापस दोहराया जाता है, और कई जनरेशन के बाद एक नई स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो इस टाइप से एक नई स्पीशीज बन जाती है। क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विनिज्म। डार्विन जो थे वो ऑर्गेनिज्म में वेस्टिजियल ऑर्गन की एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। दूसरा, डार्विन ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन के सोर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि वेरिएशन कैसे आती है और कहाँ से आती है। और डार्विन मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब जो लक्षणों की वंशागति का जो मैकेनिज्म है उसको भी एक्सप्लेन करने में असमर्थ रहे थे। और एक ड्रॉबैक इनकी ये थी कि उस वक्त डार्विन को जेनेटिक्स का नॉलेज नहीं था। और नेक्स्ट ये है कि डार्विन सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के बारे में तो बता पाए थे, लेकिन उन्होंने अराइवल ऑफ फिटेस्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सके थे। क्लियर। अब डार्विन का जो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन हुआ था वो सेक्सुअल सेलेक्शन पर, उनका जो था वो ऑब्जेक्शन उठाया गया था, क्योंकि डार्विन के अकॉर्डिंग फीमेल ही अपने मेटिंग पार्टनर मेल का सिलेक्शन करती है, जबकि मेल ऐसा क्यों नहीं करता है, हमेशा फीमेल ही ऐसा क्यों करती है। और एक इनको क्रिटिसाइज इसलिए भी किया गया था क्योंकि डार्विन जो थे सोमेटिक और जर्मिनल वेरिएशन में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए थे उसको। और यह जो थ्योरी होती है डार्विन की, उन्होंने ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट जो हाईली स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं उनका कोई उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं दिया दे पाए थे डार्विन। क्लियर। तो इन सभी वजह से डार्विन को क्रिटिसाइज किया गया था। एक थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म के हर ऑर्गन में पेंजीन्स उत्पन्न होते हैं, या फिर क्या होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जेम्यूल्स कहते हैं, पेंजीन्स या जेम्यूल्स होते हैं। तो ये पेंजीन्स या जेम्यूल्स जो होते हैं बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और जिस ऑर्गन से ये उत्पन्न होते हैं इसमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, और ये पेंजीन या जेम्यूल्स ब्लड के साथ चल करके बाद में गैमेट्स में इकट्ठे हो जाते हैं, और जिससे हर गैमेट में जो हर ऑर्गन होता है उसमें कम से कम एक पेंजीन जरूर होगा। तो जायगोट के बन जाने पर ये पेंजीन या जेम्यूल्स होते हैं उसमें से प्रत्येक पेंजीन जो है उसी ऑर्गन की उसी ऑर्गन का फॉर्मेशन करने लगता है जिससे उसकी उत्पत्ति हुई थी। इसे हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ पेंजिनेसिस।